वेलकम टू ब्लूमिंग एस्पिरेशंस। मेरा नाम अनन्या है और मैं एक पर्सनल डेवलपमेंट और हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और जानना चाहते हैं हमारे चैनल के बारे में, तो देखिए ये वीडियो। इस समय बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं और वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। आप सभी अपनी ओर से प्रिपेयर करके इंटरव्यू देने जा रहे होंगे और काफ़ी लोगों के इंटरव्यू काफ़ी अच्छे भी गए होंगे, लेकिन किसी ना किसी रीज़न से आपको नौकरी नहीं मिल रही है और ये सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है। अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इंटरव्यू में सिलेक्ट ना होने के कई रीजंस हो सकते हैं जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। इस वीडियो और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स के बारे में डिस्कस करूँगी जिनको अगर आप डेवलप करें तो जॉब पाने के चांसेस के साथ साथ आपका सक्सेस रेट भी बढ़ता चला जाएगा। तो बात करते हैं पहले स्किल के बारे में, कॉन्फिडेंस। हर इंटरव्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। आप किसी को देखकर ही बता सकते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। ये एक ऐसा स्किल है जो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाता है। कॉन्फिडेंस को लेकर आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो मान लीजिए कि आपसे कोई कहता है दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट और कहने में बोलने में हिचकिचाता है, फंबल करता है, तो साफ पता चल जाता है दैट ही इज नॉट कॉन्फिडेंट। एक्चुअली वो काफ़ी नर्वस है। तो क्वेश्चन आता है कि कॉन्फिडेंस कैसे पता चलता है। कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके एक्सप्रेशंस में दिखता है। आप कैसे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सब से पता चलता है कि क्या है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस कितनी जल्दी डेवलप हो सकता है? कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विद इन। वो आपके मन से और दिल से आता है। तो अगर आपको कोई कहता है कि आप एक दिन में कॉन्फिडेंट बन सकते हैं तो वो झूठ कह रहा है, बिकॉज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्स टाइम। कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट टिप्स। कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए मैं आपको ये तीन टिप्स दे रही हूँ। नंबर वन, एक्सेप्टेंस। असली कॉन्फिडेंस आता है जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी गुड और बैड क्वालिटीज दोनों को एक्सेप्ट कर ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। और ये एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, जो कि पर्सन टू पर्सन अगेन डिपेंड करता है और किस तरह से आप इन स्टेप्स को सीरियसली ले रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। नंबर टू, नॉलेज एंड प्रेपरेशन। नॉलेज और प्रेपरेशन से भी बहुत कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। याद कीजिए वो स्कूल के दिन जहाँ वो एक सब्जेक्ट जिसमें आपको यकीन था कि आप कुछ भी करें आपके नंबर अच्छे ही आने वाले हैं। वो कॉन्फिडेंस कैसे आया? प्रेपरेशन से आया। या तो आपने अच्छी तरह से उसके लिए प्रिपेयर किया था या आपके कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर थे, राइट? जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तब भी हमारी प्रिपरेशन और नॉलेज हमें देता है कॉन्फिडेंस। एंड लास्टली, लुक गुड फील गुड फैक्टर। जैसे मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी कहा है कि जब हम अच्छे लग रहे होते हैं, प्रेजेंटेबल लग रहे होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और इसी के साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको लगता है कि शायद कॉन्फिडेंस की कमी से आप सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो इट्स टाइम फॉर यू टू लुक डीप विद इन एंड वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। तो लीजिए ये पहला स्टेप और आइडेंटिफाई करिए कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को हैम्पर करती हैं और आपके कॉन्फिडेंस को लो करती हैं। और साथ ही प्रैक्टिस कीजिए ये तीन टिप्स। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूमिंग एस्पिरेशंस के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे। और अगर आपके पास इंटरव्यू रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज़ उसे मेंशन कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स पे और आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू रिलेटेड और कुछ स्किल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, कीप लिविंग, लर्निंग एंड ब्लूमिंग।